जोहार संगवारी, मैं गुरु और ये देखा आज मैं बनाता हूँ रोहू मछली। ये छोटे साइज की रोहू मछली संगवारी हो। और ये मैं देखा मैं हल्दी मिर्चा और ये कुछ मसाला करके ये अच्छा से मिक्स करके अब इला गर्मी गर्म तेल महमन इला अच्छा से फ्राई कर लो। चलो तो संगवारी हो फ्राई करा था तेल में। ये देखा बारी बारी से बढ़िया अच्छा से मैं ये फ्राई कर लिया था। और ठंड के महीना में संगवारी हो अपन ये मछली के स्वाद के ही मज़ा ही कुछ और है संगवारी हो। तो ये देखा अच्छा से नीचे ऊपर से बढ़िया मैं फ्राई कर लिया था। ये देख थोड़ा सा स्किप हो गई से वीडियो है और ये अच्छा से फ्राई हो गए है। और जो बचे हुए तेल रही से वही मैं ही अच्छा मैं तड़का लगा दे हूँ ये जीरा के। और ये साथ में गई से दो तीन तेज पत्ता और ये थोड़ा सा हींग बढ़िया साथ मैला भून लिया था। और ये अपन के प्याज है लहसुन है और अदरक के जो पेस्ट है वोला साथ मैला भून लिया था। अच्छा सुना रखना था कि ये कुछ कच्चा मिर्चा संगवारी हो। और ये गई अपन टमाटर और सब मिला के बढ़िया से हमन इला भून लिया था। ये देखा ये गई अपन के नमक और नमक ल भी बढ़िया भून लेते। नमक डालते ही संगवारी हो ये बहुत जल्दी टमाटर ये गल जाते। ये देखा पूरा बढ़िया भुना के है टमाटर ये मैं डाल देते। हल्दी है अपन ये लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और ये अपन के गरम मसाला साथ में यू मतलब बढ़िया से अच्छा से भून लिया था। ये लगभग भुना के है लगभग दो मिनट भुने के बाद में अब ये मैं डाल देते हैं हमारे पानी। आप जिसे ग्रेवी रखना चाहिए उसी टाइप की आप डाल सका था पानी। ये देखिए ज़्यादा मैं ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखा हूँ। ये देखा अब ये ढक के कम से कम दो से तीन मिनट का हल्का आँच में ये पका के संगवारी हो। ये मैं जो अपन जो मछली तल के रखे हैं है ना वोला बारी बारी से मैं डाल दिया था। ये देखा अब ढक के अलग दो मिनट बाद और पका लेते हैं ना। ये देखा एकदम अब ये घी से अपन के हल्का से कसूरी मेथी और ये अपन हरा धनिया संगवारी हो। ये ज़बरदस्त रेसिपी है आप मन भी ऐसे ट्राई करके देखो और बताओ कि कैसे लगते हैं।